हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही ट्रायंगल चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था। पहले पीपीटी थ्योरम मैंने पढ़ाई, फिर इनवर्स पीपीटी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल्स को बिल्कुल भी, जो सॉल्व एग्जांपल होते हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, आपको पूरे करके जाने हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है साइड ए बी और ए सी को ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल क्या है, ए बी सी। अगर ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं किसके किसके पैरेलल में, बीसी के पैरेलल में, तो ये बाकी दो साइडों को क्या करेगी, काटेगी। किस पॉइंट पर, डी और ई पर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दोनों बाकी साइड्स को ये काट रही, तो हमें प्रूव करना है कि ए डी अपॉन में ए बी किसके बराबर होगा, ए ई अपॉन में ए सी के। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो देखिए कैसे होगा, हमें यहाँ पे गिवन है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। डी ई जब बी सी के पैरेलल होगा तो हम यहाँ पे बी पी टी थ्योरम आसानी से लगा देंगे कि ए डी अपॉन में डी बी किसके बराबर आ जाएगा, ए ई अपॉन में ई सी के। बहुत ईजी है, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो हम क्या कह सकते हैं, ए डी अपॉन में डी बी किसके बराबर है, ए ई अपॉन में ई सी के, बी पी टी थ्योरम के हिसाब से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मतलब इसका इन्वर्स कर एक तरीके से। तो डी भी हमारा ऊपर आ गया और ए डी हमारा नीचे आ गया। सेम प्रोसेस हमारा क्या होगा, आर एच एस में होगा। ए डी नीचे हो गया, ठीक है, डी भी ऊपर हो गया, इज इक्वल टू ई सी अपॉन में ए ई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम ऐड कर देंगे एल एच एस और आर एच एस में 1 प्लस कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो जब डी वी अपॉन ए डी प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ई सी अपॉन में ए ई प्लस 1। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, ए डी नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या होगा, डी बी प्लस ए डी इज इक्वल टू ए ई नीचे आ जाएगा, ई सी प्लस ए ई। तो देखिए डी बी प्लस ए डी क्या होता है, फिगर देखिए, डी बी प्लस ए डी बी प्लस ए डी क्या मिलता है हमको, पूरा का पूरा एक साइड मिल जाती है जो कि है ए बी। सेम चीज यहाँ पर देखिए, ई सी प्लस ए ई क्या मिलेगा हमको, ई सी प्लस ए ई हमको मिल जाएगा पूरी की पूरी एक अनदर साइड जो कि है ए सी। तो यहीं पर वही लिखेंगे हम, ए सी अपॉन ए ई, और इनको प्लस करके क्या मिलेगा, ए बी अपॉन ए डी। फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, ए डी अपॉन में ए बी किसके बराबर है, ए ई अपॉन में ए सी के, जो कि हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रूव हो जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे मैं दूसरा एग्जाम्पल इसका नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। थैंक यू सो मच।